हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कुछ और नए कलर आपको दिखाने आया हूँ गुलदावरी के, जो कि पूरे तरीके से खिल चुके हैं, जो पहले नहीं खिले थे। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये कलर कितना प्यारा कलर लग रहा है। ये इसी के साथ एक और वैरायटी है हमारे पास, जो कि ये रही, आप देख रहे होंगे। ये दोस्तों अब धीरे धीरे ओवर हो रहे हैं फूल, ये क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन्हें खिले हुए। एक हमारे पास ये येलो कलर का है, छोटा वैरायटी। धीरे धीरे गुलदावरी के सीज़न ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे फूल बहुत पुराने हो चुके हैं। जैसे देख लूँगी अब ये इसकी पत्तियाँ साइड साइड से रेड कलर की हो रही हैं, तो ये धीरे धीरे फूल अब ओवर हो गया है। ये पहले नहीं खिला था बट अब खिल गया है येलो वाले। जो इससे पहले येलो दिखाया था वो दूसरा था, ये दूसरी वैरायटी का है। इसकी पंखुड़ियाँ बहुत लंबी लंबी और टाइट टाइट होती हैं। एक ये रहा, देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से खिल रखा है यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक। इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है इसके क्यारियों में। तो दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगर आप में से किसी को भी गुलदावरी की खेती या गुलदावरी के पौधे कैसे अच्छे से तैयार किए जाएं, जो इतने अच्छे फूल दे सकें, तो आप इसके लिए कमेंट में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, और मैं आपको गाइड कर सकूं और आप अच्छे तरीके से फूल को ग्रो कर सकें। तो वीडियो को एंड करते हैं इसी यहीं पर।